है वही खुदा है, मृत्यु दंड देता है वही खुदा है। ठहरो, उसने अपने जेल से दो कैदी बुलवाए, कहा एक वो कैदी लाओ जिसको मृत्यु दंड दिया गया है और एक दूसरा वो कैदी लाओ जिसको कोर्ट ने रिहा कर दिया है। दोनों पकड़े गए, लाए गए। उसने पूछा कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूं, मुझको जिंदगी दे दिया अदालत ने। अदालत थी कहाँ? कचहरी ने छोड़ दिया। अच्छा तू जीवन की तरफ जा रहा है, इसका कत्ल कर दो इसको। और दूसरे से पूछा तुम का मैंने उनको तो फांसी कल हो जाएगी, का इसको छोड़ दो। और बोला जो मरने जा रहा था उसे मैंने जिंदा कर दिया, जो जीने घर जा रहा था उसे मैंने मार दिया, मैं भी मारता जिलाता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो नमरूद की इस बचकाना दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर अल्लाह के खलील को मालूम था कि जब खुदा दीन लेता है तो अकलें छीन लेता। उन्होंने कहा इसे बहस करने के बजाय एक भारी बात इसके सामने रख दो, सुन मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। बहुतर लदी कफर, देखने लगा इधर ना उधर, टूट गई कमर फिर गई नजर, देखने लगा इधर उधर, अरे कुछ जमीन का मैटर होता तो ले दे के कुछ मांडोवल कर लेते, कुछ समझौता कर लेते, कोई समझौता गाड़ी निकाल लेते, मगर मामला सूरज का है। चाहे जितना प्यार करो वो अपनी रफ्तार पे रहेगा। कहा भाई सूरज पे तो अपना कंट्रोल नहीं है। बात खत्म हो गई, लेकिन बात खत्म होते ही बात शुरू हो गई। हजरत इब्राहिम की दलील कागज पर महफूज हो गई कि मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल दे। अगर नमरूद पश्चिम से सूरज निकाल देता तो दलील इब्राहिमी की रोशनी में उसे खुदा मानना पड़ता। नमरूद तो ना निकाल सका मगर दलील उलूहियत महफूज। नमरूद तो ना निकाल सका मगर मकाम साहिबा में जब अली मुर्तजा की असल खजा हुई तो इसे डूबी हुई सूरज को मुस्तफा ने पश्चिम से निकाला। कहीं पश्चिम से निकालने की वजह से दलील इब्राहिमी की रोशनी में ये महबूब लोग तुम्हें खुदा न कहे, कुल नमाना बशर मिसलो को इंसानत मुस्तफा हुजूर गाजी बिल्ला। वाह वाह वाह, कमाल है। अल्लाह ने पूरब से निकाला, रसूल राजी, कमाल है। अल्लाह ने पूरब से निकाला, रसूल राजी, रसूल ने पश्चिम से निकाला, खुदा राजी। अल्लाह रसूल से राजी, रसूल अल्लाह से राजी, तो ये मुल्ला नाराज होके क्या कर लेगा? ये कट्टरपंथी मुल्ला अस्तगफिरुल्ला, अल्लाह बचाए इन कट्टरपंथियों से। जो कलमा पढ़कर इस्लाम के न हो सके वो रोटी खाकर भारत के होंगे। अब यहां पर कहीं ये शक ना हो जाए कि मौला अली और नमाज कज़ा।
इसे भी साफ करता चलो। सिचुएशन ये थी कि आसन के टाइम से पहले ही नौलाल ही बैठ गए, मकामे साहिबा में बैठे हैं, सडनली अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के पास आए, न बात किया, न कोई बातचीत हुई, न कुछ कलाम हुआ, लेट गए रसूल। अली के जानू पे सर रखकर मुस्तफा जाने रहमत लेट गए, आंखें बंद कर ली। पहले तो वाकया सुन लो फिर तबसारा। अदबन अली मुर्तजा हिले नहीं, असर की नमाज जाती रही, सूरज डूब गया, उधर सूरज डूबा इधर नमाज ना पढ़ पाने की, नमाज ना पढ़ पाने का दर्द उभरा, वो डूबा दर्द उभरा, और जब दिल में दर्द हो तो आंखें आंसुओं का रूप ले लेती हैं। आंसू गिरने वाले थे, अली ने पलकों का पट भेड़ लिया, मगर बेचैन आंसू निकल पड़े और रुखसारे मुस्तफा पर गिरे। रसूल ने आंख खोल के पूछा, अली क्या बात है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपने तो पढ़ लिया था, मेरा असर की नमाज पढ़ना बाकी था, आप आए, सर रखकर आंखें बंद कर ली, आराम करने लगे, अदबन मैं उठाई नहीं, हिला ही नहीं, तो मेरी नमाज कज़ा हो गई। रिएक्शन देखो, रसूल पाक खड़े हो गए, आसमान की तरफ निदा उठा के कहा, ए अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अतात में था, है कोई मर्द ऐसा नमाज ना पढ़े और रसूल उसे अतात कहे? जब ना पढ़ने में अतात का यह आलम है तो नमाज पढ़ने में अतात का आलम क्या होगा? ये अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अतात में था, इशारा किया, डूबा सूरज पलट आया। ये तो है वाकया, यह है उनका मोजीजा। पर ये मुझे बताओ, क्या असर का वक्त सोने का होता? अरे रावी कह रहा नबी सो रहे थे। अरे यार आंखें बंद थी तो बंद आंखों में तुम कैसे जान सकते हो सो रहा है या सोच रहा है? बेशक तो आंखें बंद है, ये तो रावी को कहने का हक है, लेकिन नबी सो रहे, सोना तो देखा ही नहीं जा सकता, तो ये रावी की रवायत नहीं रावी का कयास है कि गालिबन नबी सो रहे हैं। और मेरा भी जान कहता है नबी सो नहीं रहे थे, नबी सो नहीं रहे थे, अली का दिल चो रहे थे, अली का दिल चो रहे थे, लाओ थोड़ी देर के लिए आंख बंद करूं, देखो अली करता क्या है, मुझे छोड़ करके नमाज पढ़ने जाता है, मुझे छोड़ करके वो रुकू सज्दा करेगा, मुझे छोड़कर मुझे छोड़ देगा और नमाज पढ़ेगा, जरा देखू करता क्या है। और मौला अली ने साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह आपको छोड़कर अली नमाज नहीं पढ़ेगा, आपको छोड़कर रुकू नहीं, या रसूल अल्लाह वो और कोई जमात है जो आपको छोड़ के नमाज पढ़ती है, आपको छोड़कर जुमा पढ़ती है, जो आपको छोड़कर रुकू और सजदा करती है, वो जमात और है, अली तो आपको न बंदगी में छोड़ेगा न जिंदगी में छोड़ेगा। मुख्तसर कर दो इस बात को, सूरज वापस आ गया, अली ने नमाज मुकम्मल कर ली। सूरज को जानते हो? अगर सूरज ना हो तो पौधों में, पेड़ों में, दरख्तों में क्लोरोफिल नहीं होगा,
वो दिन में ऑक्सीजन बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये वनस्पति विज्ञान न होता, ये बॉटनी न होती। और सूरज को किसी की परवाह नहीं है। बड़े बड़े वली, बड़े बड़े आलिम सूरज को देख के नमाज का टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल से सूरज नहीं चलता, सूरज से हमारा टाइम टेबल चलता है। और हमारा टाइम टेबल बदलता है, मई जून में मगरिब का वक्त कुछ और है, दिसंबर जनवरी में कुछ और है। भैया ये बदला क्यों? मैंने नहीं बदला, सूरज ने अपनी चाल बदल दिया, मैंने अपना हाल बदल दिया। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दीदे दीनो मिल्लत ने औकातुस सलात को ऐसा और लिखा है कि जानकार उसको पढ़ करके कयामत तक बता सकता है टाइमिंग क्या है। सिद्दीक अकबर हो या फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो या मौला अली हो, सब सूरज को देखकर फजर जोहर असर मगरिब इशा का वक्त मुकर्रर करते। साहबा भी सूरज को देख रहे, ताबईन भी सूरज को देख रहे, सारी जिंदगी मौला अली सूरज को देख करके फजर जोहर असर मगरिब इशा मुकर्रर, सारी जिंदगी। अब जब वो पश्चिम से पलटा कि मैंने सूरज से पूछा अब बताओ कब डूबोगे, बोला अब मुझसे मत पूछ, पहले पूछा होता तो मैं बता देता कब निकलूंगा कब डूबूंगा, अभी तो मैं पलटा गया हूं, अब अपनी मर्जी से नहीं डूब सकता, अब तो अली से पूछो नमाज का मुकम्मल होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाजरी, नारे हाजरी, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मौला अली 5 मिनट पढ़ेंगे तो मैं 5 मिनट नहीं डूब सकता, 10 मिनट पढ़ेंगे तो मैं 10 मिनट तक नहीं डूब सकता, आधा घंटा लगा देंगे तो मैं आधा घंटा नहीं डूब सकता। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, अब अली से पूछो इनकी नमाज कब पूरी होगी। 5 मिनट पढ़ेंगे तो 5 मिनट तक नहीं डूबूंगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जब तक अली की नमाज पूरी नहीं होगी। क्या समझे? जब तक मुस्तफा पे कुर्बान नहीं हुए अली सूरज को देखा करते थे, मुस्तफा पे कुर्बान हो गए सूरज अली को देखने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तो कहीं ए नबी मैंने सूरज निकाला है, तुमने सूरज पश्चिम से पलटाया है, कहीं लोग तुम्हें खुदा न कहें, अब तुम ही कहो। और कुरान का ये मिजाज है कि जो जाहिर लफ्ज होता है वो मानना पड़ता है। बशर जाहिर है, हम मानते हैं जो रसूल को बशर ना माने। मुफ्ती तो नहीं हूं मगर उनकी संगत में रहा हूं, फतवा दे नहीं सकता, फतवे की नकल तो कर सकता हूं, वो काफिर है। जो रसूल को बशर न माने वो काफिर है। अबे बशर नहीं मानोगे तो कुछ तो मानोगे, तो बशर ही तो सबसे बड़ा है। अशफुल मखलूकात बशर, फरिश्तों से आला बशर, जिन्नातों से आला बशर, सारे जानवरों से आला इंसान है। तो आला ही को माँ बाप कहते हैं ना, घटिया माल को माँ बाप कौन कहेगा। तो बशरियत आला तरीन दर्जा है मखलूकात में, इसीलिए और शायद इसीलिए क्योंकि रसूल बशर हैं इसीलिए बशरियत को यह शरफ हासिल है।
तो बशर मानना जरूरी है, ना माने तो काफिर, क्योंकि कुरान में बशर है। तो कुरान में रसूल को नूर कहा, अब अगर नूर नहीं मानोगे तो घूर हो जाओगे, क्या कहोगे? तो दोनों कहो, न सिर्फ बशर, न सिर्फ नूर, नूरी बशर, नूरी बशर। अब जब ये क्लियर हो गया तो बताइए नूर का काम क्या? लोगों को बदलना, चीजों को बदलना, रंगों को बदलना, घरों को बदलना, ये नूर का काम नहीं है, ये रोशनी का काम नहीं है, ये लाइट का काम नहीं है। लाइट का काम ये है कि जो जैसा है वैसा दिखा दे। लगाना है तब तक आप लोग जितना चाहो नारा लगाओ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि के रसूल। एक आदमी ऐशा के बाद घर से निकला, मीलाद में शिरकत के लिए दरवाजे के बाहर निकला, उसके पैर के नीचे एक मोटी रस्सी आ गई, उसे समझा सांप ने काट लिया, बेहोश हो गया। छोटा भाई टॉर्च लेकर के आया, भाई को बेहोश पाया, उठाया, पानी मुंह पे छिड़का, उठ के बैठा, बोला काहे को बेहोश हो गया? बोले सांप ने काट लिया। कहां सांप? इधर ही है, टॉर्च मारा तो रस्सी है, अंधेरे ने धोखा दे दिया। और 12 बजे रात को जब मीलाद शरीफ खत्म हुआ, फिर लौटा घर, तो दरवाजे के सामने एक सांप आया पैर के नीचे, इसने कस के दबाया का, फिर रस्सी आ गई। घर में गया, सो गया, फजर के लिए उठा, मस्जिद के लिए चला, जैसे ही घर के बाहर निकला देखा मरा हुआ सांप, असली सांप को रस्सी समझा, रस्सी को सांप, अंधेरे ने धोखा दे दिया। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च मारा, रोशनी ने बताया सांप नहीं रस्सी है, और जैसे ही सूरज की हल्की सी रोशनी फैली तो रोशनी ने बता दिया ये रस्सी नहीं सांप। तो रोशनी का काम है कि जो रस्सी है उसे रस्सी दिखा दे, जो सांप है उसे सांप, जो जैसा है वैसा दिखाना। रोशनी बदलने के लिए नहीं, पहचानवाने के लिए आती है। तो जब तक मेरा नबी नहीं आया था, जब तक मीलादुल नबी नहीं हुई थी, तब उस अंधेरे में न किसी को हक दिखाई देता था न बातिल। जैसे ही 12 रबी अव्वल को ये नूर चमका, फरात की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया, रोशनी फैल गई, अब लोग पहचान गए अबू जहल किसे कहते हैं, अबू बकर किसको कहते हैं। रोशनी ने पहचानवा दिया अबू लहब क्या मुकाम है, अबू तुराब का क्या मुकाम है, हक क्या है, बातिल क्या है। जब तक अभी यहाँ लाइट बुझा दी जाए तो पता नहीं चलेगा स्टेज कहाँ है, कुर्सी कहाँ है, हजरत पीर सैयद नूरुल्लाह कहाँ है, और पीर गुलाम अली बापू कहाँ है, हाशमी कहाँ है, माइक कहाँ है। लेकिन रोशनी आ जाए तो पता चलेगा ये पिलर है, इतने फूल है, यहाँ माइक है, यहाँ हाशमी है, यहाँ पीर साहब रौनक अफरोज है, और ये कलर है, ये डिजाइन है, ये सफेद है, वो हरा है, ये कूलर है,
तो चीजों को बदलने के लिए नूर नहीं आता, नूर पहचानवाने के लिए आता है। और आ गए अल्लाह की तरफ से नूर। अभी वो पढ़ रहे थे, न कोई बता सका है न कोई बता सकेगा तुझे रब ने कब बनाया। ये तो कब बनाया इस पर बात हो गई, अब थोड़ी बात हो जाए क्यों बनाया। और अल्लाह ने नहीं छुपाया कि मैंने क्यों बनाया, खुल्लम खुल्ला बताया। लौला कलमा खलकतुल अफलाक, तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं आसमान ना बनाता। लौला कलमा खलकतुल दुनिया, ए महबूब तुम्हें पैदा करना ना होता मैं दुनिया ही ना बनाता। आई क्रिएटेड इंटायर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ यू।